नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नवे और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि 12th और 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट कब आने वाला है। हाँ दोस्तों, मैं आज आपको इसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट के हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी एक दो दिन पहले महाराष्ट्र बोर्ड ने अनाउंस किया HSC का रिजल्ट कब आने वाला है। तो उन्होंने बोला है कि 15 जुलाई 2020 को रिजल्ट आने वाला है। और दोस्तों, रिजल्ट डिक्लेरेशन का टाइम रखा गया है 1 PM। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट की कि उनका रिजल्ट कब आने वाला है। अब हम बात करते हैं 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की कि उनका रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, महाराष्ट्र बोर्ड ने ये भी अनाउंस किया है कि एंड ऑफ जुलाई में कभी भी 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आ सकता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई में 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट भी आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ भी अपडेट आती है महाराष्ट्र बोर्ड की तो मैं उधर ज़रूर स्टोरी में डाल दूंगा। तो ID तो मैंने आपको मेंशन कर दी है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में जिनका रिजल्ट आने वाला है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। और आप सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट जिनका भी रिजल्ट आने वाला है।